कैंसर सर्विक्स हमारे देश की महिलाओं में होने वाला एक मुख्य कैंसर है, काफ़ी कॉमन कैंसर है। ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे होने से रोका जा सकता है और दुर्भाग्यवश हमारे देश की महिलाओं में इस कैंसर का निदान बहुत ही एडवांस स्टेजेस में होता है और इस कैंसर से होने वाली जो मृत्यु दर है वो सबसे अधिक है। जब भी कैंसर का निदान आरंभिक अवस्थाओं में होता है, यानी शुरुआत में अगर इसका डायग्नोसिस होता है, तो पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जब भी हम इसको एडवांस स्टेज में डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं तो उससे सफलता हमें बहुत कम मिलती है, यानी ये कैंसर एक तरह से लाइलाज साबित होता है। और यही कारण है कि लोगों में ये धारणा बन गई है कि ये जो कैंसर है ये लाइलाज है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैंसर जब आरंभिक अवस्थाओं में इसका डिटेक्शन होता है या डायग्नोसिस होता है और सही इलाज हो जाता है तो इससे ठीक होने की संभावना 90% से भी ज़्यादा होती है। कैंसर शुरू में जब भी पनपता है या पनपने लगता है तो किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं देता, यानी इसमें दर्द नहीं होता, एक तरह से ये दबे पांव आता है और कुछ इसमें साइंस पेशेंट को ज़रूर मिलते हैं, यानी वो कुछ कुछ अपना निशान ज़रूर बताता है कि हाँ ये जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर उसी समय महिलाएं अपना जांच करवा लेती हैं तो इस रोग का निदान आरंभिक अवस्थाओं में हो जाता है। आखिर ये साइंस क्या है, क्या ये हमें लक्षण देता है जो जिससे हर महिला को जानना चाहिए कि उसको ये कैंसर का रोग हो सकता है, जाकर के वो जांच करवाए और ये पता करे कि कल को उसको ये कैंसर तो नहीं है। जैसे महीने के बीच में, यानी माहवारी के बीच में अगर थोड़ा थोड़ा सा रक्तस्राव होता है, हस्बैंड से संपर्क के बाद में या पति से संपर्क के बाद या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा भी रक्त का स्राव होता है, और अगर वेजाइनल डिस्चार्ज यानी गर्भाशय से डिस्चार्ज काफ़ी पानी काफ़ी ज़्यादा है जो कि मटमैले तरह का होता है या उसमें कहीं खून के धब्बे होते हैं, तो हो सकता है ये कैंसर हो। और इसलिए महिला को इन लक्षणों के बाद जाकर के अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए। हो सकता है इस रोग का निदान बहुत आरंभिक अवस्थाओं में हो जाए, पर अगर ये जो भी लक्षण हैं इनको महिला नहीं पहचानती और अनदेखी करती है तो ये कैंसर अपनी जगह पनपता रहता है, अपनी जगह से भी बाकी शरीर के हिस्सों में फैल सकता है। इसलिए ये रोग जो है जब दर्द होता है तब महिलाएं हमारे पास आती हैं, उस समय इस रोग के निदान की जो स्थिति होती है या स्टेज होती है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 होती है। 75% से ज़्यादा महिलाएं आज की तारीख में स्टेज 3 में हमारे पास आती हैं और यही कारण है कि इस रोग से होने वाली मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। तो सवाल ये आता है कि जब किसी भी महिला को कोई तकलीफ़ नहीं है तो हम इस रोग को कैसे रोकें। वो महिला जिसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, जब समय समय पर जाकर के अपनी जांच करवाती है, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हमें करने होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा पैप टेस्ट, एक दूसरा टेस्ट होता है दैट इज़ HPV टेस्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट, कि दो इस तरह के टेस्ट हैं जो बहुत साधारण विधि से हो जाते हैं, महिला को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती और हमें इस रोग को प्री कैंसरस कंडीशन में पकड़ने में सफलता मिलती है। इस कैंसर का मुख्य कारण जो है वो HPV इन्फेक्शन, परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन, यानी ये HPV इन्फेक्शन जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। हर HPV कैंसर का कारण नहीं होता, वो HPV जो ऑन्कोजेनिक HPV हैं और अगर उसका इन्फेक्शन महिला को है तो वो कैंसर का कारण बन जाता है। आखिर ये HPV जो है इन्फेक्शन और ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्यों महिला में इस तरह से परसिस्टेंट तरीके से रहते हैं, क्या और इसका कारण क्या है, ये क्यों आता है। ऑफकोर्स इसमें खाली HPV इन्फेक्शन ही एक कारण नहीं होता, परसिस्टेंट HPV के साथ साथ और भी कई इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उनमें से
कुछ मुख्य रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी महिला जो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत कम उम्र में शुरू करती है या कम उम्र में शादी होती है, वो महिला जिसके कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या जिसके जो भी उसका पार्टनर है उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस कैंसर को होने में, इस कैंसर को होने की संभावना जिसमें ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ वो महिलाएं जो स्मोक करती हैं, जो बीड़ी पीती हैं या सिगरेट पीती हैं या निकोटीन का इस्तेमाल करती हैं, तीसरा वो महिलाएं जिनमें की प्रेगनेंसी बहुत जल्दी जल्दी होती है, यानी दो बच्चों में जो अंतराल है वो प्रॉपर नहीं होता, और नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज, चाहे वो गर्भपात ही करवाती हों, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज से भी इसको कोरिलेट किया गया है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रेगनेंसीज होंगी वहाँ पर सर्विक्स में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा HIV, यानी HIV एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आई थिंक ज़्यादातर महिलाओं को मालूम होगा या ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है कि HIV जो है वो रिड्यूस कर देता है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, और इस सर्वाइकल कैंसर के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं उन महिलाओं में जिनमें कि HIV है। तो ये सारे कारण हैं जो कि इस कैंसर को बनने में रिस्क बढ़ा देते हैं। वैक्सीन किसको दिया जाना चाहिए, वैक्सीन से कितना हमें इसमें रोकथाम में फ़ायदा मिलता है, ये दो मुख्य सवाल हैं। यंग महिलाओं को जिनकी उम्र 11 साल से 27 साल तक है ये वैक्सीन दिया जा सकता है, तो इससे प्रोटेक्शन जो हमें मिलता है वो 80% से ज़्यादा मिलता है। यंग वेमेन को, यंग गर्ल्स को हम वैक्सीनेट करें, उनकी मदर्स को हम स्क्रीन करें जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, और तो हम इस कैंसर को किसी हद तक रोक सकते हैं। आवश्यकता आज इस बात की है कि हमारे देश की महिलाएं जानें, अवेयर हों कि ये कैंसर रोका जा सकता है वैक्सीन के द्वारा और रेगुलर स्क्रीनिंग के द्वारा, रेगुलर जांच के द्वारा। अगर कैंसर का डायग्नोसिस होता है, यानी सर्वाइकल कैंसर का निदान होता है, तो महिलाएं घबराएं नहीं, अपना इलाज महिला कैंसर स्पेशलिस्ट से करवाएं। अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार भी स्वस्थ होंगे, और अगर परिवार स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भारत भी स्वस्थ होगा।